पतंजलि योग समिति प्रदेश कार्य समिति सदस्य और जिले के प्रभारी योग साधक श्रीमती मिथिली शर्मा द्वारा उनके सदस्यों की उपस्थिति में मध्य प्रदेश योग आयोग जिला सदस्य रीना नगर का सम्मान किया गया। श्रीमती मिथिली शर्मा द्वारा रीना नगर का पतंजलि पीठ के दुपट्टे और पुष्पमाला से स्वागत किया गया। इस अवसर पर मिथिली शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि मध्य प्रदेश देश का चौथा राज्य है जहां पर मध्य प्रदेश योग आयोग का गठन किया गया है। इसी के अंतर्गत हमारे नर्मदापुरम जिले में पतंजलि पीठ की बहन रीना नगर को योग आयोग का जिला सदस्य बनाया गया। उन्होंने इस अवसर पर कहा कि उनके द्वारा संयुक्त रूप से कार्य किया जा रहा है। जिले में बड़ी संख्या में लोगों को योग और आसन से जोड़ना है। योग के माध्यम से असाध्य बीमारियों का शमन होता है। विगत कई सालों से हमारे द्वारा बड़ी संख्या में लोगों को योग सिखाकर ट्रेनिंग दी गई है। आज भी जिले में हमारी संस्था द्वारा इसका प्रशिक्षण दिया जा रहा है। काफी लोग यहाँ इसका लाभ ले रहे हैं। एक योग से तो है ही, योग तो मूल में है ही, बाकी आयुर्वेद और भी चिकित्सा पद्धति जो स्वामी जी महाराज ने अपने योग के माध्यम से जन जन तक पहुँचाया है, उसमें योग आयोग भी एक आयुष मंत्रालय का एक संगठन है। उसमें जो नई नियुक्ति हुई है उसमें जैसे हमारे जिले से नर्मदापुरम से हमारी बहन रीना नागर जी को नियुक्त किया गया है। आज महिला पतंजलि योग समिति से ही हमने रीना दीदी का सम्मान किया है। और योग तो हम करते हैं, कराते हैं, जन जन तक पहुँचाते हैं, गाँव गाँव तक हमने 2005 से लेकर के अभी सेवाएँ दी हैं। स्वामी जी का सबसे पहले तो मूल में योग ही है। अब आने वाले समय में लोगों को जोड़ने के लिए कि आपका कितनी संख्या में लक्ष्य रखा गया है जिले से? संख्या में तो बहुत ज़्यादा था, हमें लक्ष्य तो बहुत दिया है, हम कोशिश कर रहे हैं। तो योग से तो काफ़ी लोग जुड़ चुके हैं, लेकिन योग के माध्यम से जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम करके या स्पोर्ट में जोड़ करके छोटे बच्चों को कॉलेजों में खेल खेल में योग इस तरह से करके हम सबको योग से जोड़ रहे हैं। और बाकी तो काफ़ी लोग जुड़ चुके हैं, काफ़ी पहले से है, तो इस तरह से हम कार्य कर रहे हैं। जी धन्यवाद। नर्मदापुरम से हिना अली की रिपोर्ट।